नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के उल्का देवी मंदिर के निकट शहीद स्मारक परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीमांत जिले पिथौरागढ़ के किशन भट्टारी, जवाहर सिंह धामी, कुंडल बिलाल, गिरीश सामंत ने देश की रक्षा में कारगिल में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। शहीद जवानों की स्मृति में बीते 3 वर्ष पूर्व उल्का देवी मंदिर परिसर के निकट एक शहीद वाटिका तैयार कर शहीदों के नाम के पौध रोपित किए गए थे, जो लगातार बढ़ रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीद वाटिका में वीरांगना शांति सामंत, तनुजा भंडारी, लीला धामी सहित अन्य मौजूद लोगों द्वारा जलाभिषेक किया गया। इससे पूर्व शहीद स्मारक में दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण प्रेमी दिनेश गुरानी द्वारा वीरांगनाओं को पौध भेंट किए गए। कार्यक्रम में सोर वैली पब्लिक स्कूल के निदेशक व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमा पाठक, बाल साहित्यकार ललित शौर्य, गिरधर सिंह बिष्ट, लक्ष्मी दत्त तिवारी, नरेंद्र गुरु, गोविंदी खड़ायत, दीपिका सिंह, वेद प्रकाश, हर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के जाजर देवल थाना परिसर में थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे की पहल पर मेस में पहाड़ी व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार पुलिस लाइन स्थित मेस में भी पहाड़ी व्यंजन तैयार किए जाने लगे हैं, जिनकी स्वाद को लेकर कर्मियों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इस क्रम में थाना जाजर देवल मेस में पहाड़ी व्यंजन भटके डुबके भात, मडवे की रोटी, भटिया आदि तैयार किया जा रहा है। भोजन ग्रहण करने पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पत ने भोजन ग्रहण करने के उपरांत थानाध्यक्ष पांडे व अन्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। एक नाबालिग के लापता होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर मामले में प्रकाश में आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 दिवस पूर्व परिजनों द्वारा थराली थाने में एक तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की जानकारी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रविंद्र डोभाल के आदेशानुसार मामला पंजीकृत कर पुलिस टीम द्वारा थराली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में जानकारी जुटाते हुए 12 घंटे के भीतर नाबालिग गुमशुदा को थाला गांव से सकुशल बरामद कर उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर दर्ज मुकदमे में पॉक्सो सहित अन्य विभिन्न संबंधित धाराओं की वृद्धि करते हुए 2 आरोपियों रोशन पुत्र कुंवर सिंह निवासी मुबारकपुर डबास दिल्ली हाल कंधार गरुड़ बागेश्वर व नीतीश पुत्र किशन चंद निवासी रीठा कंधार बागेश्वर को घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक अजीत कुमार, महिला उप निरीक्षक शिखा तिग्रवाल सहित अन्य कर्मी शामिल थे। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित प्रथम चेयरमैन स्वर्गीय खीम सिंह सोन स्मृति चल बै जयंती फुटबॉल प्रतियोगिता में आज मंगलवार का मैच GIC और रई FC के मध्य खेला जाएगा। बीते दिवस हुए DSCA और मुंशियारी बॉयज के मैच में DSC की टीम ने मुंशियारी की टीम को 8-0 से परास्त कर दिया। मैच के रेफरी पंकज बिष्ट, मनीष और अरविंद सक्सेना, कैलाश, मैच कमिश्नर नरेंद्र खत्री और उद्घोषक मनोज चौहान व भूपेंद्र चौहान थे। मैच के मुख्य अतिथि राज्य आनंदकारी राजेन भट्ट व विशिष्ट अतिथि राजेन बिष्ट ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। इस अवसर पर शेखर कपूर, मदन मेहरा, देवेंद्र बिष्ट, तरुण मेहर, आशू सोन, विजेंद्र मेहर, हयात चंद, सुरेश जोशी, शंकर खत्री, कृष्णा जोशी, महेश चिलकोटी सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद थे। चमोली STP हादसे में घोर लापरवाही बरतने पर STP प्लांट के परियोजना प्रबंधक को चमोली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 18-19 जुलाई की रात पुराना बाजार चमोली स्थित नमामि गंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट के कारण 1 उप निरीक्षक, 3 होमगार्ड कर्मियों सहित कुल 16 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। मामले को लेकर विद्युत उपकरणों के संचालन में घोर लापरवाही बरते जाने, प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखने के कारण करंट लीक होने से जघन्य अपराध मानव वध की घटना घटित हुई। दुखद घटना को लेकर चमोली थाने में संबंधित विभिन्न धाराओं में संबंधितों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले के 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र डोभाल के आदेशानुसार CO प्रमोद शाह के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा STP प्लांट के संचालन एवं सुदपुरदगी में अनुबंध में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए परियोजना प्रबंधक भास्कर महाजन को बीते दिवस ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में संलिप्त ज्वाइंट वेंचर के स्वामी और अन्य संबंधित व्यक्तियों के संबंध में विवेचना प्रचलित है। केवल 24 घंटे के आदेश को लेकर विद्युत संविदा कर्मियों में करंट दौड़ा हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मामले में आयोजित हुई बैठक में कर्मियों ने कहा कि
तीनों निगमों में तैनात संविदा कर्मियों को पहले महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव निदेशक मंडल की बैठक में लेने के उपरांत सचिव द्वारा इसका आदेश जारी किया गया, लेकिन मात्र 24 घंटे के भीतर ही आदेश को स्थगित कर दिया गया, जो सरासर गलत है। कर्मियों ने महंगाई भत्ता के फैसले को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न करने पर उन्होंने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर मनोज पांडे, कैलाश उपाध्याय, देवेंद्र कन्याल, महिमन चंद, अजय राठौर, मनीष पांडे, कौस्तुभ पांडे, कैलाश कोठारी, शेखर तिवारी, कौस्तुभ पाटनी, बहादुर बैसोड़ा, प्रकाश भट्ट, हिमांशु अवस्थी, बसंत पानू, हरिमोहन जोशी, प्रकाश अवस्थी, त्रिलोकीनाथ तिवारी, भगवान भंडारी, राजेंद्र बल्दिया, गिरीश भट्ट सहित कई अन्य संविदा कर्मी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बहुत कम लाभांश दिए जाने पर दाल नहीं गलने की बात कहते हुए आगामी अगस्त माह से दाल का वितरण नहीं करने की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दाल देने के लिए उनसे 50,000 रुपये का चालान लगवाया जा रहा है और उन्हें मात्र 500 रुपये का लाभांश दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व में बगैर फिंगरप्रिंट के वितरण किए गए राशन को अब ऑनलाइन करने की बात पर भी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने दालों में लाभांश बढ़ाए जाने व पूर्व में वितरित किए गए राशन को ऑनलाइन किए जाने का निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए उचित कार्रवाई न होने पर आगामी अगस्त माह से दाल का वितरण नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने इस विषय का एक ज्ञापन SDM को भी सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मौके पर कैलाश जोशी, ललित मेहर, भागीरथी बिष्ट, विजय कापड़ी, कमल टंडा, हरिप्रिया पांडे सहित अन्य सस्ता गल्ला विक्रेता मौजूद थे। पिथौरागढ़ के थालकेदार वन क्षेत्र में ITBP 14वीं वाहनी वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए पौधरोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान 14वीं वाहिनी के अधिकारी हरेंद्र सिंह चौहान व वन विभाग वन दरोगा ज्योति उपाध्याय, वन बीट अधिकारी प्रियंका पंत, वन आरक्षी गिरीश जोशी, मनोज पिलखवाल व गणेश चिराल सहित वाहिनी के जवानों द्वारा बृहद रूप से वृक्षारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। पिथौरागढ़ के स्थानीय महाविद्यालय में NSUI जिलाध्यक्ष ऋषभ कल्पासी की अगुवाई में NSUI छात्रों ने बीते दिनों जोधपुर में एक छात्रा नेत्री के साथ हुई घटना को लेकर रोष व्यक्त करते हुए अभाविक के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में छात्र नेता कार्तिक खरकवाल, दीपक पवार, विपिन कापड़ी, बॉबी बिष्ट, सौरभ लोहिया, धीरज बैरी, सौरभ राज, नितिन प्रदीप वर्मा सहित अन्य छात्र शामिल थे। स्थान जोधपुर में जो AVK कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बहन को टिकट का झांसा देकर उसके साथ जो उसका जो शोषण किया गया उसको लेकर आज हम यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर दोषियों पर कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में जंगल में शिकार के दौरान अपने ही भतीजे को गोली मारकर हत्या करने वाले चाचा को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 1998 में डीडीहाट के हुनेरा गांव निवासी चाचा भतीजा मोहन सिंह व तारा जंगल में शिकार के लिए गए थे और वापसी में केवल मोहन सिंह ही घर अकेले लौटा तो परिजनों द्वारा तारा के बारे में पूछने पर उसने बताया कि शिकार के दौरान उसकी बंदूक से निकली गोली से उसकी मौत हो गई और उसका शव जंगल में फेंक दिया, जिस पर मोहन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी हुनेरा डीडीहाट के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसे मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया, पर मोहन सिंह डीडीहाट लॉकअप से फरार हो गया और बीते दिनों घर आने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत द्वारा पैरवी की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मोहन सिंह को दोषी करार देते हुए IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पड़ोसी देश नेपाल के बैतड़ी जिले के पुरचुड़ी में भूस्खलन के दौरान मलबे की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बैतड़ी पुलिस प्रवक्ता निरीक्षक लोकराज जोशी ने बताया कि भूस्खलन के दौरान मकान के मलबे में दबने से अंजू जागरी 25 वर्ष, उसका पुत्र रिजन 5 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और चपेट में आई मृतका की सास
रायमती 45 वर्ष, देवर गोवर्धन 14 वर्ष व पड़ोस की महिला जसमा बोरा 60 वर्ष गंभीर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा मलबे से दबे तीनों घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में आने से गौशाला में बंधे सभी जानवरों की भी मौत हो गई है। भूस्खलन से गांव को हो रहे खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को गांव से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। बालिका छात्रावास से गुमशुदा हुई दो नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने केवल एक घंटे के भीतर ही सकुशल बरामद कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस थाना डालनवाला में एक विद्यालय की प्रधानाचार्य ने आकर सूचना दी कि उनके विद्यालय की छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग छात्राएं कहीं चली गई हैं। उनके पास मोबाइल भी नहीं है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया, जिसको लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक डालनवाला के नेतृत्व में उप निरीक्षक कुसुम पुरोहित व कांस्टेबल गजेंद्र सिंह व टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर जानकारी जुटाते हुए दोनों गुमशुदा बालिकाओं को रेलवे स्टेशन देहरादून से सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि छात्रावास में उनका मन नहीं लग रहा था, जिस कारण दोनों दिल्ली घूमने जा रहे थे। पुलिस टीम द्वारा दोनों बालिकाओं को थाना डालनवाला लाकर प्रधानाचार्य और परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई को लेकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। छात्राओं के अचानक छात्रावास से गायब होने की जानकारी मिलने पर छात्रावास में हड़कंप मच गया। छात्राओं के मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।